अपने घमंड में चूर रावण कैलाश जा पहुंचा, परंतु महादेव के भक्त नंदी ने उसका मार्ग रोक लिया। ये देख रावण क्रोधित हो गया और अपनी दिव्य शक्तियों से नंदी पर आक्रमण कर दिया, परंतु नंदी भयभीत नहीं हुआ और डटकर रावण का सामना किया। रावण संपूर्ण कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उठाने का प्रयास करने लगा। कैलाश पर अपने नृत्य साधना में मग्न महादेव को जब इस बात का आभास हुआ तो वो भी क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने पैरों के अंगूठे तले उस पर्वत को दबा दिया। कुछ क्षण पहले जो अपने बल पर अभिमान कर रहा था, वो भगवान महादेव के पैर के अंगूठे का एक हल्का सा दबाव भी सहन न कर सका और पीड़ा से चिल्लाने लगा। कैलाश तो स्थिर हो गया, किंतु रावण के रोने चिल्लाने के स्वर के वेग से अन्य पर्वत हिलने लगे। समुद्र में ज्वार आ गया। तीनों लोकों के प्राणी कांप उठे। इंद्रादि देवता तक विचलित हो गए। रावण, हमारे आराध्य महादेव के पैर के अंगूठे का एक हल्का सा दबाव भी सहन न कर सका। नंदी के द्वारा दिए गए श्राप से रावण को उसका दंड मिल ही गया था। रावण उच्च स्वर में आर्तनाद करने लगा। आर्तनाद के लिए संस्कृत में रू धातु है, जिसका अर्थ होता है रोना। हाँ, ठीक कहा, रोना, चीखना, चिल्लाना। बहुत समय तक रोते रहने के कारण दशानन का नाम रावण पड़ गया। रोया, किंतु अपने अपराध को स्वीकार नहीं किया। अपराध स्वीकार किया और उसका प्रायश्चित भी किया। जटाटवी कलज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेव लंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 मन्निनाद मट वर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नश्व शिवम। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन निलिंप निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरः स्फुरत् दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुक्त दुर्धरापदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तु। इस प्रकार से रावण को रोते हुए 1000 वर्ष बीत गए। नंदी के अपमान से भगवान भोलेनाथ रावण से कितना कुपित हुए होंगे। भगवान भोलेनाथ अपने भोले भक्तों की पीड़ा और अपमान को तनिक भी सहन नहीं कर सकते। तो फिर दीनानाथ भोले बाबा का क्रोध कैसे शांत हुआ है दीन दयाल? भोले भंडारी, क्या कभी किसी से सदा के लिए रूठ सकते हैं? भोले बाबा तो जगत पिता हैं, वो कैसे किसी प्राणी के प्रति निष्ठुर हो सकते हैं? तो जब रावण ने भगवान शशि शेखर की सतत स्तुति की, तो भगवान महादेव के अंतर मन की सहज करुणा प्रकट हो गई। Yeah.
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उठो दशानन। जटाटवी कलज्ज्वल प्रवाह मावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम् भुजंग तुंग मालिकाम् डमट्टमट्टमट्टमन्निनाद मट्टवर्वयम् चकार चंड तांडवम् तनोतु नः शिवशिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन् निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम् मम। मैं तुम्हारी स्तुति से अति प्रसन्न हूं दशानन। यह चंद्रहास खड़ग अजय है और यह तुम्हारे शत्रुओं पर साक्षात काल बनकर गिरेगी, किंतु तभी तक जब तक कि तुम धर्म के पक्ष में रहोगे, अन्यथा इसकी अपराजयता जाती रहेगी। शिवाय। कितने भोले हैं भोलेनाथ, पिता के समान दंड भी दिया और क्षमा मांगने पर आशीर्वाद भी। ओम नमः शिवाय। पर्वत संबंधित एक जगत प्रसिद्ध कथा हमारे संकट मोचन महाबली हनुमान की भी है, किंतु कितना अंतर है दोनों में। रावण का उद्देश्य केवल अपने अहंकार की स्थापना करना और हनुमान का उद्देश्य लोक कल्याण की भावना। मन में एक प्रश्न उठा है प्राणवल्लभ। अवश्य पूछें कमलनयन। पुत्र यदि रावण के समान असभ्य हो तो उसे दंड से वश में किया जा सकता है, जैसे कि महादेव ने किया। किंतु पुत्र यदि हनुमान लला के समान अबोध और नटखट हो तो क्या करना चाहिए ना? हनुमान तो केवल राम नाम के वश में है, और किसी उपाय से उन्हें वश में करना असंभव है, और बाल रूप का तो कहना ही क्या। अब हमारे केसरी नंदन को तात की गोद में जाना है। मैं गोद में ले तो लूं, लेकिन ये मेरे पास टिकेगा? बहुत चंचल है हमारा केसरी नंदन।
दीजिए, इसे मुझे दीजिए, मैं इसे अभी सुला देती हूँ। आप सो जाइए। और तुम? इसको सुलाने के बाद अभी जल्द ही सो जाएगा।
शिशु के जन्म व लालन पालन का कार्य महामाया ने माता को सौंपा है, किंतु पिता भी अपनी संतान के कल्याण व सुरक्षा के लिए निरंतर चिंतित रहता है, चाहे वो मनुष्य हो या देवता। मेरा पुत्र पवन पुत्र, हे केसरी नंदन, वानर राज केसरी और भगवान शंकर के साथ साथ तुम मुझे भी अपना पिता ही समझो पुत्र, क्योंकि तुम्हारे जन्म की प्रक्रिया में मेरी भी भूमिका है। भगवान शंभु की कृपा से, नमामि शंभु, नमामि रुद्रम, नमामि पुरुषम पुराणम, नमामि सर्वम शिरसा नमामि। ये जो तुम्हारी चंचलता है ना पुत्र, ये भी मेरा ही गुण है, वायु का स्वभाव ही है, कभी एक स्थान पर ना ठहरना, सदैव गतिशील रहना। वायु पुत्र होने के कारण तुम में ये चंचलता सहज ही चली आई है, किंतु तुम थोड़ा धीर भी धरो पुत्र, कैलाश पति भगवान शंकर के समान